नमो नारायण जी। मैं आपका मित्र नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नज़र कैसे उतारते हैं और नज़र के सिम्टम क्या हैं। पहली बात तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नज़र लगी हुई है, और दूसरी बात, ऐसा छोटा सा टोटका क्या करें कि जिससे तुरंत नज़र उतर जाए और आपको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि कई बार समय नहीं होता इतना कि हम बहुत सारे ज़्यादा उपाय कर सकें। नज़र लगने का पहला तरीका देखो कि नज़र लगी है तो बार बार नाक पे खुजली आएगी, आँख में इचिंग होएगी। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादातर नज़र लगती है। जैसे किसी ने कहा, ओए बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, तो बच्चा ना रोते रहता है सारा दिन। आपको लगता है कि पेट दुख रहा है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है जी कुछ है ही नहीं, फिर भी बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। ऐसे बच्चों के अलावा जो बड़े लोग हैं, चाहे बूढ़ा ही आदमी क्यों ना हो, नज़र किसी को भी लग सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप पक्के रंग के हैं, कृष्ण वर्ण हैं, श्याम वर्ण हैं, आप काले रंग के हैं तब आपको नज़र नहीं लगेगी। बथेरे ऐसे लोग हैं जो बड़े काले हैं लेकिन उनका जो बिहेवियर, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी रौबदार होती है, उनको भी नज़र लग जाती है, एंजाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। वो बंदा कहता है जी मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया, मेरे को पहली बार मेरे बच्चे पर गुस्सा आ गया, हो क्या रहा है मेरे साथ। बॉस है, बहुत बड़ी कंपनी के पद पे बैठा हुआ बंदा, कहता है मैं मेरी मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहा, मेरे नीचे के स्टाफ मेरे से बड़े परेशान हो गए हैं, मैं किसी को भी कुछ बोल देता हूँ जबान फिसलने लग गई, बोलता कुछ हूँ निकलता है कुछ है, सोचता कुछ हूँ होता कुछ है, कंधों में दर्द रहने लग जाए, अचानक पैरों में दर्द आ जाए, अचानक माइग्रेन फील होने लग जाए, सिर दर्द होने लग जाए, नाक में बार बार खुजली आने लग जाए। ऐसी कोई चीज जो हटके हो रही हो, इट्स मीन्स आपको कहीं ना कहीं आप नज़र के शिकार हो गए, या कोई तंत्र मंत्र या कोई बुरी चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव आ चुका है। नज़र बहुत पत्थर को फाड़ देती है। और सच बताऊं, मेरे जो रिसर्च है अब तक की, 1998 में मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, मेरी जो वर्किंग रही है, और आज गॉड ऑफ ग्रेस, देवताओं के आशीर्वाद से 2020 तक मेरा अनुभव ठीक ठाक हो चुका है। मैंने नज़र के सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति देखे हैं। कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, गोल्डन टाइम चल रहा होता है, बंदे का टाइम बड़ा अच्छा है, इंसान कहता है नारायण जी बड़े मज़े आ रहे हैं, बढ़िया रोज़ अच्छी सेल हो रही है, अच्छा काम है, अच्छा पैसा है, अच्छी गर्लफ्रेंड है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, नज़ारे वाली लाइफ चल रही है, अच्छी भक्ति हो रही है, अच्छी पूजा पाठ भी चल रही है, अचानक सब सिस्टम उल्टा। आप यकीन मानो, भगवान की भक्ति करने वालों को भी नजर लग सकती है क्या? कभी उनको भी नजर लग जाती है। मेरे एक मित्र ने कहा जी मैं रोज भगवान शिव की ना 4 घंटे पूजा करता हूं। आज वो बंदा तरस रहा है, रो रहा है, कहता जी मेरा भगवान की भक्ति से मन उठ गया है, मेरे से भक्ति करने का मन नहीं करता। मतलब नजर तो किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी लग सकती है। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर, फिल्म स्टार, बड़े बड़े MLA, मंत्री, मतलब रोड पे आ गए, उनके प्रोजेक्ट डिब्बे में बंद के बंद रह गए बिकॉज ऑफ नजर, और उनका ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने 1000 उपाय कर लिए लेकिन कभी नजर की तरफ ध्यान नहीं किया। तो नजर बहुत बड़ा एक इशू है, नजर उतारो। और सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं आज आपको मैं नजर का। सबसे पहला उपाय क्या कर सकते हो, अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो रहे हैं, आप कर लो या आप खुद उतार सकते हो उनकी नज़र। सबसे पहले आपने एक नींबू लेना है, लेमन लेना है, ऐसे एकदम पीले रंग का पका हुआ लेमन, बढ़िया येलो कलर का लेमन, और लेमन को एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से 18 बार, ठीक है, इस तरीके से एंटी, यानी लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड में नींबू पकड़िए, लेफ्ट हैंड की तरफ से घुमाना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, 18 बार नींबू को घुमा लीजिए। और जैसे ही आप इस नींबू को 18 बार घुमाएंगे, आपकी बॉडी की चारों तरफ से, यकीन मानिए आपके चक्राज, आपके जो जितने भी हमारे 7 चक्रा जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे ही नींबू घुमाएंगे चारों तरफ, आपके चक्रा ठीक हो जाएंगे, आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी। तो करना क्या, 18 बार घुमाना है, घुमाने के बाद नींबू को 2 हिस्सों में काट देना है, कटर से काटिए, चाकू से काटिए, 2 हिस्सों में अलग अलग कर देना है, अलग अलग करके और भगवान से प्रार्थना करते हुए, नारायण 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 बोलते हुए इसको आपने डस्टबिन में डाल देना है, ये सोच के क्या मेरी नज़र उतर गई है।
ऐसा ये नींबू वाला उपाय 3 दिन लगातार कर लीजिए, प्रातः प्रातः काल या इवनिंग के टाइम में, शाम के समय में 4 से 6-7 बजे के बीच में। और इमरजेंसी में तो आप चाहे दोपहर में कर लो, चाहे रात को 12 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही करोगे नींबू वाला उपाय, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगी। दूसरा उपाय, आप एक मुट्ठी नमक लीजिए, इसी को 18 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और वाश बेसिन में जाकर डाल दो। अरे नारायण जी, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। 3 दिन लगातार करना है। नमक वाला उपाय करो, नींबू वाला करो, इसी तरीके से आप मिर्ची वाला उपाय भी कर सकते हो। 1 मिर्ची 7 मिर्ची साबुत सूखी डंडी वाली लीजिए, सरसों के तेल में डिप कीजिए, 18 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए लेफ्ट से राइट, और चुपचाप उसको गैस चूल्हे पे बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। इस उपाय को आप नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके समझ लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, और आपको अच्छा लगे तो आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को आगे ये वीडियो का लिंक शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को फायदा हो सके इस चीज का। तो दोस्तों, नजर बहुत बड़ी चीज है, सच कहता हूं, पत्थर फट जाते हैं, नजर ऐसी चीज है। नमो नारायण जी। नारायण जी को आज्ञा दीजिए, फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण, नारायण आचार्य चंडीगढ़, डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।